आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर कुणाल कौशिक जी। सर, हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है बहुत इंटरेस्टिंग, कि उन्होंने पहले वास्तु सर्वे कराया हुआ है अपने घर में, पर उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जबकि उनका घर पूरा वास्तु फ्रेंडली है, पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? यही फर्क है वैदिक वास्तु और साइंटिफिक वास्तु में। साइंटिफिक वैदिक वास्तु काम करता है अंदाजों पे, कि पूरा जो बुक में पढ़ लिया और पूरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना दिया। बट साइंटिफिक वास्तु काम करता है इंस्ट्रूमेंट्स पे, जैसा आप देख रहे हैं मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें कितने तरह के 10 से ज़्यादा तरीके के इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 4 से ज़्यादा तरीके के तो कंपास यूज़ करता हूँ, और जिनमें से एक भी मैग्नेटिक कंपास नहीं है। तो कंपास हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि उस घर में ठीक है वास्तु के अकॉर्डिंग बना लिया, बट नेगेटिव एनर्जी कितनी है वहाँ की, अर्थ एनर्जी क्या है। सबसे पहले अर्थ एनर्जी वहाँ की 10,800 यूनिट से ऊपर होनी चाहिए। अगर अर्थ एनर्जी किसी भी घर की 10,800 यूनिट से कम है, तो उसको सबसे पहले रेमेडी उस चीज़ की करनी चाहिए। सेकेंड थिंग, साउथ वेस्ट में ओनर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में घर का हेड होना चाहिए, बैठ गया वहाँ पे, उसके बाद भी उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले वो मेरे पास एंटीना है उस चीज़ का, उसको सबसे पहले वहाँ उस जगह की एनर्जी चेक करनी चाहिए जहाँ पे वो ओनर है, उस कमरे की एनर्जी चेक करनी चाहिए कि उस कमरे में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई हार्टमन करी ग्रेड या ले लाइन ऐसी कोई भी चीज़ उसके कमरे के नीचे ना हो। और दूसरा, नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो उसके पूरे घर में, ये मेरे पास एक एनर्जी सेंसर है, ये एनर्जी सेंसर है, उसको अपने पूरे घर में, ये एनर्जी सेंसर वो उसको अपने पूरे घर में उसके इस एनर्जी सेंसर से चेक कराना चाहिए कि उसके घर में एनर्जी क्या है। अगर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर उसको उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एनर्जी उनके घर की काफ़ी कम है, उस एनर्जी को ठीक करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।